अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। क्या आपकी आवाज मधुर और प्रभावशाली है? क्या आपको अपनी आवाज से प्यार है? यदि हाँ, तो आप निसंदेह वॉइस ओवर फील्ड में अपना करियर आजमा सकते हैं और वॉइस ओवर आर्टिस्ट होकर कुछ बड़ा पैसा कमाने के लिए इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आइए इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी हासिल करते हैं। वॉइस ओवर क्या है? वॉइस ओवर, जिसे ऑफ कैमरा या ऑफ स्टेज कमेंट्री के रूप में भी जाना जाता है, एक उत्पादन तकनीक है जहां एक आवाज जो कि कहानी का हिस्सा नहीं है, एक रेडियो, टेलीविजन उत्पादन, फिल्म निर्माण, थिएटर या फिर किसी और प्रेजेंटेशन में उपयोग किया जाता है। वॉइस ओवर प्राय किसी मौजूदा संवाद के अलावा जोड़ा जाता है। ये पेशेवर ऑडियो के एक भाग के रूप में आवाज प्रदान करने के लिए उपयोग में लाया जाता है। ये गेमिंग, वीडियो, कार्टून, विज्ञापनों आदि के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तकनीकी रूप से कहा जाए तो वॉइस ओवर आर्टिस्ट की मुख्य जिम्मेदारी लिखित शब्द को ऑडियो या वॉइस में बदलना है। इसके लिए बोलने और संवाद की कला प्रमुख है। वॉइस ओवर आर्टिस्ट कौन होते हैं? हम पूरे दिन आवाजें सुनते हैं, चाहे वो मेट्रो रेल घोषणाएं हो, विज्ञापन अभियान हो, या रेडियो सुन रहे हो, या फिर फोन पर हेल्पलाइन पर कॉल करते समय हो। लेकिन क्या आपने नोटिस किया है कि ये शांत और सुरीली आवाज किसकी है? वे वॉइस ओवर आर्टिस्ट हैं। वॉइस ओवर कलाकार एनिमेटेड फिल्मों, वृत्तचित्रों और टेलीविजन शो के लिए आवाज प्रदान करते हैं और टेलीविजन और रेडियो विज्ञापनों में वॉइस ओवर करते हैं। वॉइस ओवर कलाकार एनिमेटेड पात्रों के लिए आवाजें प्रदान करते हैं जिनमें फीचर फिल्में, टेलीविजन कार्यक्रम, एनिमेटेड लघु फिल्में और वीडियो गेम शामिल हैं। ये ऐसे लोग हैं जो अपने दैनिक जीवन में एक बदलाव लाने के लिए अपनी मेहनत और प्रयास इन आवाजों को दर्ज करने के लिए करते हैं। जिस डिजिटल समय में हम रहते हैं उसमें वॉइस ओवर कलाकारों का महत्व और प्रभुत्व बढ़ रहा है। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि आजकल वॉइस ओवर कलाकार के रूप में करियर को युवाओं के लिए एक शानदार विकल्प माना जाता है। आइए वॉइस ओवर आर्टिस्ट के रूप में करियर से संबंधित विभिन्न पहलुओं को समझने का प्रयास करते हैं। वॉइस ओवर आर्टिस्ट कैसे बने? सामान्यतः वॉइस ओवर आर्टिस्ट बनने के लिए अच्छी आवाज ही एकमात्र पात्रता मानदंड होता है। हालांकि ये बहुत आसान लग सकता है, लेकिन जब ये वास्तव में एक वीडियो या एक चरित्र के लिए वॉइस ओवर करने की बात आती है तो कई चीजें हैं जो सामने आती हैं। लेकिन मुख्य रूप से एक अच्छी आवाज और विभिन्न प्रकार के वॉइस मॉड्यूलेशन पर नियंत्रण वॉइस ओवर आर्टिस्ट बनने के लिए प्राथमिक आवश्यकताएं होती हैं। साथ ही साथ आपको भाषा और व्याकरण का अच्छा ज्ञान होना चाहिए और उच्चारण पर उचित नियंत्रण। इसके लिए आप कुछ अभिनय पाठ्यक्रम का चुनाव कर सकते हैं जहां से आपको एक अभिनय की डिग्री प्राप्त हो सके, क्योंकि वॉइस ओवर काम का एक बड़ा हिस्सा अनिवार्य रूप से अभिनय कार्य ही है। वॉइस ओवर आर्टिस्ट बनने के लिए टॉप कॉलेज और पाठ्यक्रम। नए जमाने के करियर विकल्प के रूप में जो अब धीरे धीरे बढ़ रहा है, कोई स्थापित कॉलेज तो नहीं है जो वॉइस ओवर कलाकारों के लिए प्रशिक्षण प्रदान करते हैं, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में कई निजी संस्थानों ने वॉइस कोचिंग पाठ्यक्रम पेश करना शुरू कर दिया है जो छात्रों को मूल बातें सीखने में मदद करते हैं। उनमें से कुछ हैं इंडियन वॉइस ओवर मुंबई, फिल्मेट अकादमी मुंबई, वॉइस बाजार मुंबई। इसके अलावा कई स्थापित वॉइस ओवर कलाकारों ने भी इसके लिए अपने स्वयं के ट्रेनिंग क्लासेस शुरू किए हैं। आप गूगल सर्च के द्वारा अपने इलाके में ऐसे संस्थानों की पहचान कर सकते हैं। वॉइस ओवर आर्टिस्ट के लिए सबसे लोकप्रिय करियर। विकास क्षमता और विभिन्न पहलुओं को देखते हुए आजकल हम देख रहे हैं कि मनोरंजन, विज्ञापन, कॉर्पोरेट, ई लर्निंग, एनिमेशन, प्रशिक्षण, विपणन, शिक्षा, रेडियो और अन्य कार्य क्षेत्रों में आत्मविश्वास से भरी और समृद्ध आवाजों के साथ वॉइस ओवर कलाकारों की मांग बढ़ रही है। इसके अलावा उन्नत प्रौद्योगिकी ने वीडियो गेम, ऐप, GPS, टेक्स्ट टू स्पीच, इंटरनेट जैसे कई क्षेत्रों में इनकी मांग को और अधिक बढ़ा दिया है। कुछ लोकप्रिय करियर इस प्रकार हैं: GPS के लिए आवाज देना, एनिमेशन फिल्म्स, वीडियो गेम के लिए आवाज, विज्ञापन, कॉर्पोरेट प्रेजेंटेशंस, रेडियो जॉकी।
अपेक्षाकृत अज्ञात करियर विकल्प होने के बावजूद वॉइस ओवर कलाकारों को दी जाने वाली भूमिकाएं और जिम्मेदारियां भिन्न भिन्न हैं। ये वीडियो के लिए बुनियादी वॉइस ओवर गतिविधियों से शुरू होता है या रेडियो जिंगल्स के लिए आपकी आवाज की पेशकश करता है। एक बार सफल और स्थापित होने के बाद आप फिल्मों और टीवी शो या कार्टून शो के लिए डबिंग जैसे उच्च मूल्य वाले प्रोजेक्ट भी ले सकते हैं। एक पेशेवर करियर विकल्प होने के नाते वॉइस ओवर कलाकार बाजार में एक सम्मानजनक पारिश्रमिक प्राप्त करते हैं। अपेक्षाकृत नया डोमेन और एक छोटा उद्योग होने के नाते गुणवत्ता वाले वॉइस ओवर कलाकारों की मांग बहुत अच्छी है और इसलिए भुगतान भी काफी अच्छा है।